योगी सरकार में मिला पद तो फिर अपर्णा यादव को आई परिवार की याद। चाचा शोपाल सिंह से आशीर्वाद लेने पहुंची तो फैली सनसनी। शोपाल सिंह और अपर्णा यादव की तस्वीरें आई सामने तो उठे सवाल। किसी ने कहा दिखावे की पराकाष्ठा, तो किसी ने कहा पहले अपमान और अब सम्मान, क्यों? एक तरफ अपर्णा के बीजेपी छोड़ने का किया जा रहा दावा और दूसरी तरफ चाचा से लिया आशीर्वाद, एक नई बहस हो गई पैदा। देखिए हकीकत क्या है। अपर्णा यादव को बीजेपी ने 2.5 साल बाद एक पद दिया और उस पद को लेकर भी अब सियासत का दौर दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो अपर्णा यादव बीजेपी के सब फैसले से नाराज दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि जो भी मिला है वो उनकी काबिलियत के हिसाब से मिला है। ऐसे में कई लोग दावा कर रहे हैं कि अपर्णा अब बीजेपी छोड़ सकती हैं और इसी बीच शिवपाल सिंह यादव से उनकी मुलाकात और आशीर्वाद लेने की तस्वीरों ने तहलका मचा दिया है। तस्वीरें सामने आई तो फिर सवाल उठने लगे कि अपर्णा यादव शायद सपा में आ सकती हैं, तो किसी ने कहा कि ये सब दिखावा कर रही हैं, परिवार के साथ खड़े होने के बजाय विरोधियों के साथ जा मिली और अब आशीर्वाद लेने का दिखावा करके चाचा के पास पहुंची हैं। तंज, आरोप और असहमति के बीच सियासत चरम पर है। जैसा कि सबको पता है कि जनवरी 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। अपर्णा यादव को लेकर विवाद अक्सर उठता रहता है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को आखिरकार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन वो जिम्मेदारी उन्हें छोटी लग रही है। यूपी सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनने के बाद अपर्णा यादव ने सपा नेता शिवपाल यादव और उनकी पत्नी से आशीर्वाद लिया। मालूम हो कि अपर्णा के अलावा चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने आगरा की बबीता चौहान को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई आगरा के हरि पर्वत की प्रोफेसर कॉलोनी निवासी बबीता चौहान बीजेपी महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष हैं। महिला आयोग में मिली नई जिम्मेदारी में सबसे अधिक चर्चा अपर्णा यादव को लेकर है। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधु हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उसी साल जनवरी में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई थीं। 2.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब अपर्णा यादव को यूपी सरकार में कोई पद मिला है। अपर्णा यादव की ये नियुक्ति यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जा रही है। बीजेपी में आने के बाद से वे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय रही हैं और उनकी इस नियुक्ति को पार्टी के भीतर एक नए नेतृत्व को तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि अपर्णा यादव को इस पद पर नियुक्त कर बीजेपी ने महिला मतदाताओं को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा है उससे उबरने के लिए अपर्णा यादव के सहारे 2027 के समीकरण बीजेपी साध रही है और उन्हें फिर से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सपा के नेताओं का यही कहना है कि अपर्णा को अब जाग जाना चाहिए, वरना वो दूसरी मेनका गांधी बनकर रह जाएंगी। लेकिन अपर्णा का फैसला क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।